टीआरपी आई नहीं अभी, रिपोर्ट्स कौन सी सर? सुभाष घई जी का भी कोई तारुफ के मोहताज नहीं है सुभाष जी, और एक दौर आपने संघर्ष का भी देखा होगा, और आप यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में आके उन्हें सलाह देना, मशवरा देना कि आप यूं ऐसा करें या आप ऐसा करें या आप नेचुरल रहें, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? डू यू गॉट इमोशनल समवेयर डाउन द लाइन? सर मुझे भी रही होगी आपकी, मुझे जेन्युइनली ये लगा कि जैसे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई अभी जस्ट स्कूल से पास आउट है और कॉलेज से पास आउट होके, क्योंकि उनको अपना फोकस क्लियर है कि हमें इस फील्ड में जाना है, किसी को डायरेक्शन में जाना है, किसी को एडिटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, तो एक तो इनकी मैच्योरिटी देख के इस एज में वही बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा है। आई वॉज 27 ईयर ओल्ड व्हेन आई इलेक्टेड फॉर ए रियलिटी शो विच वॉज लाफ्टर चैलेंज। मुझे ये लगा कि यार 26-27 साल तक मैंने कभी कोई डिप्लोमा करने की सोची नहीं, मैं थिएटर करता था और वो भी अमृतसर में, जिसका कोई हमें कुछ पैसे नहीं मिलते थे, हम लोग शौक से ही करते थे, तो 26-27 साल तक शायद उससे भी आगे करता रहता मैं, वो अलग बात है। डेस्टिनी ने कुछ अलग प्लान किया था तो मैंने, मेरी सिलेक्शन हो गई लाफ्टर चैलेंज में, सो मैं वहाँ पे विनर बना, उसके बाद शोज करने शुरू कर दिए, पैसे कमाने शुरू हो गया, ये तो मेरे दिमाग में ये आया नहीं था, मुझे खाली शौक था। पर इन स्टूडेंट्स को देख के लगता है कि वो बहुत ही क्लियर हैं, अगर और अगर किसी को एक्टर बनना है, जैसे अभी मुझे एक लड़का मिला तो वो एडिटिंग भी सीख रहा है, जो कि बड़े ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं इन चीज़ों को, आप अगर साथ लेके चलें बींग ए एक्टर, अगर मुझे कैमरा का पता है, अगर मुझे ये पता है कि जितना मुझे चाहिए, जितना मैंने परफॉर्म किया इतना काफ़ी है सीन के हिसाब से, अब यहाँ से एडिटर संभाल लेगा, ये सब चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं आपको निखारने में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक्चुअली कोई इनको बताने नहीं कुछ आया था, बल्कि उनसे भी कुछ जानने आया था कि ये किस तरीके से काम करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्राफ्ट हैं, जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब यहाँ पे एक परफेक्ट बना के उसको पास आउट होता है यहाँ पे स्टूडेंट, तो अच्छा लगा आज देख के, क्योंकि हम हमारी किस्मत में नहीं था कि हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें, तालीम ले सकें, तो भगवान के भरोसे आ गए तो चलो हो गया, पर अगर आप तालीम ले कर निकलते हो तो मे भी आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। वो तब मस्ती मस्ती में हम लोगों ने काफी एपिसोड में बातें करी थी, वो मेरी कहानी आप मुझसे सुनिए ना अलग से वो सुनाइए प्लीज सर, देखो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। कपिल, हाउ वाज इट, हाउ डिफरेंट वाज दिस एक्सपीरियंस नॉट ओनली आप कॉमेडी करते लाइव ऑडियंस के सामने, या अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कितना इजी था आपके? सर मुझे तो, मैंने बताया ना कि ये खाली ये जैसे सर ने भी कहा कि फेयरलेस होना जरूरी है कुछ चीज़ों में, मुझे पता था कि मैं अगर विस्लिंग वुड में जा रहा हूँ यार, हमारे हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और मैं ऐसा क्या बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को लगे कि इस बंदे के आने का कुछ फ़ायदा है, हालांकि मुझे ऐसा लगा है कुछ भी नहीं अभी भी, क्योंकि ये आखिर स्टूडेंट बन गए ना, पर यही है कि हाँ सीखना तो जारी रहता है। हाँ मेरे जो एक्सपीरियंस है बींगे उनसे उम्र में अगर बड़ा हूँ मैं, तो कम से कम मेरे साथ जो हुआ है तो मैं उनके साथ ये शेयर कर सकता हूँ, भाई मैं तो इस तरीके से आया कॉमेडी में, या एक्सीडेंटली कह दो, पर हाँ अगर आपको सीरियसली उसको अपनाना है, ऑब्वियसली आपके अंदर तो होता ही है, तभी आपको पता चलता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, पर मुझे अच्छा लगा सबसे मिलके भी, और मैं दोबारा आना चाहूँगा, पूरा सब डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को मिलना चाहता हूँ, मुझे खुद ही बड़ा शौक है, मैं अपनी फील्ड में भी जब जाता था तो अपना ख़त्म हो जाता, लाइटिंग होती थी तो मैं जाके अपने कैमरामैन के साथ बैठ जाता था कि क्यों ऐसी लाइटिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ से क्यों दे रहे हो, ये क्या है, तो मैं मुझे शौक है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली ये है, ये फैक्ट है एक्चुअली, ये हमारे देश में ऐसा होता है कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल, मतलब क्यों है, मतलब अगर आप उसने एक अच्छा किया तो उसी उसको, पर एनीवे सर अवार्ड्स मुझे लगता नहीं है, ये जनता डिसाइड करती है, जो जनता आपकी फिल्म को थिएटर में प्यार दे देती ना उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है, और आजकल अवार्ड वार्ड ये क्या है, मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो और भी अच्छा है, तो मैं तो वैसे ही अवार्ड शो में इतने पैसे लेके जाता हूँ तो मुझे अवार्ड दो ना दो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। केबीसी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हालांकि उनसे पहले मैं अपने शो में एक बार उनके साथ एक एपिसोड शूट कर चुका था, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल था, और बच्चन साहब ऐसे हैं भी, वो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देते हैं, कि उनको भी पता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो ये नर्वस हो रहा होगा, तो वो पहले कंफर्टेबल कर देते हैं, दो तीन जोक मार के ना आप पे, फिर आदमी ऐसे हो जाता है। हाँ जी सर, वो भी बहुत चर्चा में है, और
काफी कामयाबी रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, टीआरपी जितनी उम्मीद करी गई थी उतनी नहीं है। टीआरपी आई कहां अभी? टीआरपी आई नहीं अभी, रिपोर्ट्स कौन सी सर? रिपोर्ट्स तो मानता नहीं सोशल मीडिया सर। ये चीज देखिए, आप भी जब भी कभी बदलाव होता है किसी भी, चाहे वो राजनीति में हो, सोशल में हो, ड्रामा में हो, स्टेज में हो, सिनेमा में हो, जब भी कोई चीज बदलाव होता है उसको पहले से नकारते हैं, फिर दो तीन एपिसोड के बाद आप देखेंगे ये उससे भी ज्यादा बड़ा पॉपुलर होगा, मैं आपको आज बता सकता हूँ। जी सर, अपने ट्विटर इंडिया की जो हेड है, कौन सा ऐसा आज टॉपिक है जिसमें मिक्स ओपिनियन नहीं है? देयर वेरी फ्यू पीपल। मैंने कल ट्विटर इंडिया की जो हेड है जिंदल, उन्होंने उनकी इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि मतलब जब आईपीएल शुरू हुआ तब भी इतने ट्वीट्स नहीं आए जितने लाखों ट्वीट्स इस शो के पहले दिन ओपनिंग में आए। उनकी इंटरव्यू मैंने तो दी नहीं, नाम उनको जानता हूँ। सो मिक्स रिपोर्ट्स जो आप कहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है। कोई पेपर में कहते हैं कि जिस दिन हमारा शो है उस दिन बोलते हैं अरे टीआरपी वाज नॉट लाइक दैट इज प्रीवियस शो। तो माय भाई, मैं उनकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, इतने बड़े बड़े पेपर चलाते हो, टीआरपी अगले हफ्ते आती है, सेम डे आती भी नहीं है।